हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। लर्न न्यूमरोलॉजी इस कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। हम लोग बीडी सीरीज करते हैं, यानी कि बर्थ और डेस्टिनी की सीरीज कर रहे हैं। आज हम जिसकी चर्चा करेंगे वो है बर्थ नंबर 3 और डेस्टिनी नंबर 4, यानी कि बीडी नंबर 3-4। तो बर्थ नंबर वो होता है जिस तारीख को आप पैदा होते हैं। जैसे किसी महीने की आप समझ लीजिए 12 तारीख को पैदा हुए, तो 1 और 2 का जोड़ करेंगे तो नंबर आता है 3, तो आपका बर्थ नंबर होता है 3। तो वो सारे व्यक्ति जो कि किसी महीने की 3 तारीख को, 12 तारीख को, 21 तारीख को, 30 तारीख को पैदा हुए, 3rd, 12th, 21st and 30th, फॉर देम दिस एपिसोड इज देयर। उसके बाद आप अपना डेस्टिनी नंबर चेक कीजिए, पूरी डेट, मंथ और ईयर को बुलाइए, मिलाइए और उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो अगर आपका नंबर आता है 4, तो ये एपिसोड है आपके लिए, यानी कि बर्थ नंबर 3 और डेस्टिनी नंबर 4। यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये दोनों नंबर जो हैं, देखा जाए तो 3 नंबर जुपिटर है, महागुरु बृहस्पति, और 4 नंबर होता है राहु का। तो ये अपने आप में, हालांकि राहु के साथ गुरु आता है तो गुरु चांडाल का कॉम्बिनेशन बनता है, अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन बहुत सारे मामलों में ये इंपॉर्टेंट या एक रेलेवेंट कॉम्बिनेशन भी बना देता है। यहाँ पे लोग साइंटिस्ट बन सकते हैं, एडवाइज़र, न्यायाधीश, ऑरेटर्स, स्पीकर्स, फिल्मों के अंदर बहुत कामयाब हो सकते हैं, राइटर्स बहुत अच्छे बन सकते हैं, और कई इम्पॉर्टेंट पोस्ट में जा सकते हैं, बिजनेस में बहुत आगे जा सकते हैं। जहाँ पे आपका बृहस्पति है, ईमानदारी का प्रतीक है, राहु वही मैनिपुलेशन का प्रतीक है। तो कहीं ना कहीं आप मैनिपुलेशन की ओर जब जाते हैं तो आपको जो गुरु हैं हमारे बृहस्पति, वो वापस खींचने की कोशिश करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की स्थितियां रहती हैं 3 और 4 नंबर के बीच में बहुत बार, और इस कॉन्फ्लिक्ट में हमेशा कई बार अगर राहु जीत जाता है तो आप करप्ट रास्ते पर चलना शुरू हो जाते हैं, अनएथिकल मीन्स अपनाते हैं। जब भी आप अनएथिकल मीन्स अपनाते हैं तो गुरु अपना प्रभाव छोड़ देता है, गुरु की जो महत्ता है, गुरु का जो आशीर्वाद है, फिर आपको वो नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं अगर गुरु का आपको आशीर्वाद चाहिए तो आपका आचरण भी सात्विक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, नॉन करप्ट होना चाहिए, बेईमानी वाला नहीं होना चाहिए। लेकिन समस्या है कि हर बार आपका माइंड जो राहु महाराज है वो मैनिपुलेशन की ओर ले जाते हैं, लेकिन साथ में राहु महाराज तो टेक्नोलॉजी के भी मालिक हैं, IT के भी मालिक हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इनोवेशंस भी देते हैं, इन्वेंशंस भी देते हैं, लेकिन अगर वो अच्छे रास्ते पर चल के आए तो उनका मज़ा कुछ और होता है। इनके जो कलर्स हैं, जैसे कि मैंने 3 नंबर बताया है, गुरु का कलर तो पीला माना जाता है, ऑरेंज भी आप यूज़ कर सकते हैं, और ब्लू कलर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं ख़ास तौर से राहु के लिए, और साथ में येलो का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहें तो बीच में कोई और छोटे मोटे लाइट कलर्स भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई नहीं। जो नंबर्स आपको सूट करेंगे वो नंबर्स मैंने साइड में दिए हैं, और ये फेवरेबल नंबर होंगे आपके आपके नाम के लिए और आपके बिजनेस के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर आपका नाम और बिजनेस का जो नाम है इन नंबरों पे अगर आ जाता है तो वाइब्रेशंस पॉजिटिव हो जाती हैं, प्रोडक्टिव हो जाती हैं, प्लेजेंट हो जाती हैं, और आप जीवन में बेहतर कर पाते हैं। तो ये था आज का एपिसोड बीडी नंबर 3 और 4 का, यानी कि बर्थ नंबर 3 और डेस्टिनी नंबर 4 का। आशा है आपको ये पसंद आया होगा, और अपनी फीडबैक दीजिएगा। नीचे मैंने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया हुआ है, और जो भी आपके मन में कोई और बातें हैं या कोई एडवाइस है, सजेशन है, वो हमको लिख के भेजिएगा। खास तौर से लिंकेजेस आगे भेजिएगा, और इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल, अभी तक आपने अगर नहीं किया, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो लर्न न्यूमरोलॉजी फ्रॉम दिनेश के वोरा, इस कार्यक्रम से हमें दीजिए इजाज़त। अगले इशू में बहुत जल्दी मिलेंगे हम आपसे यहीं पर। धन्यवाद आपका।